चीन और जापान के बाद अब भारत में मैगलेव ट्रेन दौड़ेगी। 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली ये ट्रेन पटरी पर नहीं बल्कि हवा में दौड़ती नजर आएगी। जी हाँ, भारत में सुपर स्पीड मैगलेव ट्रेन लाने के लिए सरकारी कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि BHEL ने स्विस रैपिड AG के साथ साझेदारी की है। इसकी जानकारी BHEL ने खुद दी है। भेल ने कहा कि यह समझौता PM नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को ध्यान में रखकर किया गया है। कंपनी कई क्षेत्रों में अपना कारोबार फैलाना चाहती है और अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर भी उनमें शामिल है। इसी योजना के तहत कंपनी भारत में मैगलेव ट्रेन लाने की तैयारी कर रही है। बता दें कि ये हाई स्पीड ट्रेन मैगलेव फिलहाल सिर्फ चीन और जापान में ही चलती है। अब इसे भारत में चलाने की योजना बनाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार बेंगलुरु चेन्नई, हैदराबाद चेन्नई, दिल्ली चंडीगढ़ और नागपुर मुंबई के बीच मैगलेव ट्रेन चलाने की योजना बना रही है। BHEL पिछले 5 दशकों से रेलवे के विकास में साझेदार है। कंपनी ने रेलवे को इलेक्ट्रिक और डीजल लोकोमोटिव भी दिया है। देश की पहली मेट्रो कोलकाता मेट्रो में भी BHEL के प्रोपल्शन सिस्टम लगे हैं। भारत में सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हो चुकी है। वहीं मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन परियोजना पर भी काम चल रहा है। अब BHEL के साथ स्विस रैपिड AG की साझेदारी में बन रही मैगलेव ट्रेन बहुत जल्द भारत में घंटों की दूरी चंद सेकंड में पूरी करती नजर आने वाली है। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी